हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। 10 अक्टूबर 2019 की प्रीलिम्स अर्बिटर सीरीज में आपका स्वागत है। चलते हैं आज की हमारी न्यूज डिस्कशन की तरफ। इससे पहले आप लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट सूचना है, वो ये है कि देखो, अन अकेडमी पर डिफरेंट कोर्सेज हैं वो स्टार्ट किए जा सकते हैं। अगर आप उसमें कोई भी मंथली सब्सक्रिप्शन लेते हो, जैसे कि आपने 1 महीने का लिया, 2 महीने का, 3 महीने का या साल भर लिया, तो उसमें आपको उस तरीके से अलग अलग छूट है वो दी जाती है। तो आई थिंक जो साल भर का सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हो तो वो आपको 35 या 30,000 के समथिंग है वो वहाँ पे पड़ते हैं। अगर आप इनमें से कोई भी कोर्स ज्वाइन करते हो, 1 महीने का, 2 महीने का, साल भर का, तो आपको उसमें 10% डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप ये रेफरल कोड यूज करोगे देवेंद्र सिंह 27। तो आप कोई भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। अब आपके दिमाग में होगा कि भाई कोर्स ज्वाइन करने के फायदे क्या होंगे। देखो, अन अकेडमी पर जितनी भी फैकल्टी बढ़ाती हैं, मैं ही नहीं, मेरे अलावा भी और भी काफ़ी सारी अच्छी और भी फैकल्टीज हैं। अगर आप किसी का भी वीडियो देखना चाहो तो वहाँ पे आप बाद में आप फ्रीली देख सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको कोई एक टीचर के वीडियो देखने को मिलेंगे, जो भी टीचर आपको वहाँ पसंद आए, जैसे काफ़ी सारे आई थिंक 30 के आसपास फैकल्टी हैं अन अकेडमी प्लस पे, तो उन फैकल्टी में जो भी फैकल्टी आपको पसंद आ रही है उसके आप कंप्लीट लेक्चर देख सकते हो। जैसे आपको एक टीचर का एक वीडियो पसंद है तो वो वहाँ से देख सकते हो, बाकी और टीचर्स के देख सकते हो। तो यहाँ पे आपका GS भी कवर हो जाएगा। इसी के साथ ही जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसकी क्लासे भी वहाँ पे चलती रहती हैं, तो वो भी आप वहाँ पे ज्वाइन है वो कर सकते हो, जो कि सारा इसी में सब्सक्रिप्शन में आ जाते हैं। तो अगर आपको कोई भी प्रोग्राम ज्वाइन करना हो या कोई भी इससे संबंधित क्यूरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अब देखते हैं आज की हमारी पहली न्यूज। देखो, पहली न्यूज आई है, वो आई है कि अभी WHO ने फर्स्ट वर्ल्ड रिपोर्ट ऑन विजन, यानी कि विजन का मतलब हो गया यहाँ पे दृष्टि, यानी आंखों की जो दृष्टि होती है उसको लेके अभी विश्व की पहली रिपोर्ट है वो जारी की है। ये एक नया इनिशिएटिव है। क्या है इस रिपोर्ट में वो हम देखते हैं। देखो, इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि लगभग पूरे विश्व में 2.2 बिलियन लोग ऐसे हैं जो कि आंखों की, आप ही बोल सकते हो, ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम, या फिर हम कह सकते हैं कि अंधेपन की जो समस्या है, अंधेपन की जो बीमारी है, इससे शिकार हैं। और इंटरेस्टिंग बात क्या है, इन 2.2 बिलियन जो पीपल है ना, इनमें से 1 बिलियन केस तो ऐसे हैं अगर उनको एड्रेस कर लिया जाए या उनका जब भी ध्यान दिया जाए तो उनको सोल्व भी किया जा सकता है। मतलब कि 1 बिलियन तो ऐसे केस हैं जिनको आप आराम से एक बार देख के ही एड्रेस करके सोल्व है वो कर सकते हो। इसी के साथ ही इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि देखो, जो आंखों की या बोल सकते हो कि अंधेपन की जो बीमारियां हैं वो मेनली जहाँ पे पुअर इनकम सोर्सेज हैं, जैसे कि हम बात करें तो रूरल एरिया में जहाँ पे लिविंग स्टैंडर्ड काफ़ी कम होते हैं वहाँ पे। इसी के साथ ही लो इनकम ग्रुप्स और लो इनकम ग्रुप्स में भी अगर हम बात करें तो मेनली वुमेन, इसी के साथ ही ओल्डर पीपल और जो जो लोग हैं यहाँ पे दिव्यांग हैं यानी डिसेबल पर्सन हैं, उनके साथ ही प्रॉब्लम हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। इसी के साथ ही जो माइनॉरिटी, जो एथनिक माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं उनके साथ भी ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम ज़्यादा है। तो ऐसी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ती जा रही हैं। एक इस रिपोर्ट में ये आया गया है कि जो हायर इनकम वाले क्षेत्र हैं ना, जैसे कि आप बोल सकते हो कि जो काफ़ी अमीर एरिया के क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों की बजाय जो गरीब एरिया है वहाँ पे जो अंधेपन की बीमारी है वो लगभग 4 गुना ज़्यादा है। जैसे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 4 टाइम हायर देन इन हायर इनकम रीजन, मतलब कि जो लो क्वालिटी वाले, आप बोल सकते हो कि जहाँ पे लो इनकम सोर्सेज वाले एरिया हैं वहाँ पे आंखों संबंधी बीमारियाँ पे जो अंधेपन संबंधी बीमारियाँ हैं उनकी जो रेट है वो 4 गुना ज़्यादा है। इसी के साथ ही जैसे और ये दिया गया है कि जो वेस्टर्न और ईस्टर्न सब सहारा अफ्रीका और जो साउथ एशिया वाला रीजन है, यहाँ पे आंखों की बीमारियाँ हैं वो जो हाई इनकम वाली कंट्रीज हैं, जैसे कि हम बात करें वेस्टर्न कंट्रीज, उनकी कंपेरिजन में 8 गुना तक ज़्यादा है। मतलब कि हमारे इंडिया में या फिर हम बात करें साउथ ईस्ट जो एशिया की और कंट्रीज आ गई हैं, वो सहारा एशिया, सहारा यानी कि अफ्रीकन जो कंट्रीज आ गई उनमें ये प्रॉब्लम ब्लाइंडनेस की काफ़ी ज़्यादा है। अब देखो, बात ऐसी है कि कौन कौन से ऐसे रीजन हैं जिसकी वजह से आंखों की संबंधित बीमारियां या दृष्टि दोष वगैरह होते हैं। देखो, एक तो रीजन इसमें दिया गया है यहाँ पे एजिंग पॉपुलेशन, यानी कि जो एज पॉपुलेशन है इसका एक बड़ा फैक्टर दिया गया है। इसी के साथ ही लोगों की जो डेली की जो लाइफ स्टाइल है, आजीविका के जो तरीके हैं, तौर तरीके वो, और आंखों के प्रति लोगों की लापरवाही बोल सकते हो, या फिर उनके पास लिमिटेड एक्सेस होती है आंखों के ट्रीटमेंट वगैरह के लिए, तो ये भी एक रीजन होता है। इसी के साथ ही इनकम हुआ, एन एजुकेशन जो आप बोल सकते हो कि एजुकेशन का अभाव हो गया, तो ऐसे सारे जो फैक्टर्स हैं वो इसके लिए जिम्मेदार होते हैं और इसकी वजह से प्रॉब्लम है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल आया है आज, वो है ग्लोबल कंप्यूटनर इंडेक्स के बारे में। काफ़ी इम्पोर्टेंट ये आर्टिकल है और ध्यान से सुनना, सारे फैक्ट इसके बहुत इंपॉर्टेंट हैं इंडिया के लिहाज से भी और एग्जाम के लिहाज से भी। देखो, पहली बात तो ये है कि जो ग्लोबल कंप्यूटनर इंडेक्स है वो जारी कौन करता है। तो यह इंडेक्स जारी किया जाता है
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF, काफी बार आपने इसका नाम सुना होगा। और आपको बता दूं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है वो एक इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका UPSC आए बाय इर्द गिर्द इसके क्वेश्चंस वगैरह पूछती रहती है, और बहुत ही इम्पोर्टेंट ये ऑर्गेनाइजेशन अपने आप में हो जाता है। अब देखो ऐसी बात है कि जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है ना, इसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी की जाती है जिसका नाम है ग्लोबल कॉम्पिटिटिव रिपोर्ट। तो ये जो रिपोर्ट जारी की जाती है ना, इस रिपोर्ट के आधार पर फिर ये इंडेक्स है वो तैयार किया जाता है। और बात अभी ये है कि पिछले साल इंडिया की जो ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में जो रैंकिंग थी वो थी 58, और इस बार वो घर के या बोल सकते हो कि गिर के हो गए 68। मतलब इंडिया 10 रैंक है वो नीचे चला गया है ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में। तो इंडिया की इकोनॉमी के लिए काफी चिंताजनक बात ये हो जाती है। इसीलिए इस आर्टिकल के सारे फैक्ट्स को हम यहाँ पे कवर करेंगे, एक तरीके से एडिटोरियल जैसी डिस्कशन यहाँ पे हो जाएगी। अब देखो बात ऐसी है कि ग्लोबल जो कॉम्पिटिटिव इंडेक्स है GCI, ये बेसिकली 1979 में स्टार्ट किया गया था ताकि ऑल ओवर वर्ल्ड की जो इकोनॉमिक्स हैं उनमें किस तरीके का कंपटीशन चल रहा है, किस तरीके की कंपेटिटिव मार्केट है, इन सबको चेक करने के लिए इंडेक्स है वो जारी किया गया था, ये स्टार्टिंग की गई थी। इसमें अब लगभग 141 इकोनॉमिक्स, यहाँ बोल सकते हैं कि 141 कंट्रीज हैं उनकी इकोनॉमिक्स में पार्टिसिपेट करती है। 103 ऐसे इंडिकेटर्स हैं जिनके आधार पर इस इंडेक्स को जारी किया जाता है। अब देखो जो 103 इंडिकेटर हैं, संकेतक हैं, सूचक हैं, इनको 12 पिलर में डिवाइड किया गया है। और वो 12 पिलर कौन कौन से हैं ये एक बार अगर हम देख लेंगे तो एग्जाम में से UPSC पूछ भी ले तो हम आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई कौन कौन से थे। सारे तो ऐसा नहीं कि हम याद कर पाएंगे, बट एक आपको आइडिया मिल जाएगा कि भाई ऐसे ऐसे पैरामीटर्स के आधार पर जारी किया जाता है। तो पिलर अभी हम देखेंगे, पहले थोड़ा इंडिया का हालात वगैरह देखते हैं। ये बात आई है कि इंडिया जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं, यानी कि ब्राजील, रशिया, इंडिया हो गया, चाइना हो गया, इनमें हम बात करें तो इंडिया की हालत काफ़ी ख़राब रही है, साउथ अफ्रीका के आधार पर भी। मतलब ब्रिक्स के अंदर इंडिया की हालत बहुत ख़राब रही है। खैर ब्राज़ील की जो रैंक है वो इस बार 71 रही है, तो मतलब ब्राज़ील की सबसे ज़्यादा खराब रही है। बट बाकी हम ब्राज़ील को छोड़ें ब्रिक्स में, तो इंडिया की हालत सबसे वर्स्ट रही है। चाइना की रैंक है वो इस बार 28 है, वो रही है। और हम बात करें जो काफ़ी कमज़ोर कंट्री, आप बोल सकते हो जैसे कि यहाँ पर हो गया कोलंबिया, हो गया यहाँ पर अजरबैजान, हो गया साउथ अफ्रीका, हो गया टर्की, हो गया, इन कंट्रीज़ की रैंकिंग भी आप देख सकते हो इंडिया से काफ़ी ऊपर है। तो ये इंडिया के लिए काफ़ी चिंताजनक बात हो गई है कि भाई अपनी इकोनॉमी पे फोकस नहीं किया जा रहा है। अब देखो ऐसी बात है, इम्पोर्टेंट फैक्ट एक ये रहा है कि नंबर वन पे रहती थी हमेशा USA की इकोनॉमी, बट इस बार सिंगापुर है वो नंबर वन पे रहा है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में। तो ये आपको ध्यान में रखना है, नंबर वन पे है सिंगापुर और नंबर टू पे रहा है फिर USA और फिर बाद में अलग अलग कंट्रीज हैं। और अगर हम बात करें साउथ एशिया में इंडिया की पड़ोसी कंट्रियों की, चाइना की रैंकिंग है वो जैसे मैंने आपको बताया 28 रही है, श्रीलंका की रैंकिंग है वो 84 रही है, बांग्लादेश की 105 रही है, नेपाल की 108 वो रही है, और पाकिस्तान की रही है 110। तो ये आपको पता होना चाहिए कि भाई पड़ोसियों की हालत भी कैसी रही है। इंडिया की हालत ज़्यादा ख़राब है, चाइना की तो और अच्छी हालत है यहाँ पे। अब देखो एक बात, थोड़े पिलर्स देख लेते हैं। जैसे कि हर कंट्री है उसकी इकोनॉमी के जो मार्केट्स है जो उसको देखा जाता है, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कैसी है इकोनॉमी की, फाइनेंशियल सिस्टम कैसे है, वहाँ के बैंक्स कैसे काम कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है वहाँ पे, हेल्थ कैसी है। अब आपके दिमाग में अगर भी हेल्थ का इकोनॉमी से क्या लिंक है, देखो जब लोगों की हेल्थ ही अच्छी नहीं रहेगी तब तक वो काम कैसे करेंगे। मतलब जब अच्छी हेल्थ नहीं रहेगी तो इकोनॉमी में उनका कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं रह पाएगा और गवर्नमेंट के ऊपर एक्स्ट्रा खर्चा और बढ़ जाएगा, इसलिए हेल्थ भी एक इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडिकेटर के तौर पर। इसके साथ ही बिजनेस भी काउंट किया जाता है, इंस्टीट्यूशन है हमारे देश में वो, लेबर मार्केट कैसा है, इनोवेशन की कैपेसिटी कैसी है, स्किल कैसी प्रोवाइड करवाई जा रही है, प्रोडक्ट मार्केटिंग कैसी हो रही है, ICT, यानी कि हम बात करें यहाँ पे इंटरनेट हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, टेक्नोलॉजी है, इन पे कितना फोकस किया जा रहा है, इन सब के आधार पे इंडेक्स जारी किया जाता है। अब देखो इंडिया की जो मार्केट साइज है वो तो आपको पता है काफ़ी अच्छी है। इंडिया की अगर हम मार्केट साइज की बात करें तो टोटल जो 141 कंट्री थी ना, इसमें थर्ड नंबर पर इंडिया की मार्केट साइज आ जाती है। इसके बाद में अगर हम बात करें मैक्रोइकोनॉमिक जो स्टेबिलिटी है वो भी इंडिया की अच्छी खासी रही है, इसमें इंडिया की रैंक रहेंगे 43। बट हम देखें फाइनेंशियल सिस्टम्स, यानी देखो आपको पता है हमारे देश में बैंक में NPA जैसी प्रॉब्लम्स हैं, डिफॉल्टर्स काफ़ी ज़्यादा हैं, तो इसलिए फाइनेंशियल सिस्टम में हमारी रैंकिंग है वो गिरी है इस बार और हम 40वीं रैंक पे यहाँ पे पहुँचे हैं। इसके साथ ही जो हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो उसमें भी हमारे देश में काफ़ी कमी आई है। हेल्थ है वो बढ़ी तो है बट जितनी बढ़नी चाहिए थी उससे काफ़ी कम रही है। तो आप देख सकते हो कि काफ़ी सारे ऐसा पैरामीटर्स है जहाँ पे इंडिया ने अच्छा काम भी किया है। तो जो ओवरऑल ये 12 लिस्ट थी ना, इन 12 लिस्ट में से 4 ऐसी लिस्ट हैं जहाँ पे तो इंडिया का स्कोर ठीक ठाक सा रहा है 4-5 लिस्ट में, बाकी में इंडिया की हालत ज़्यादा ख़राब है वो रही है, मतलब एवरेज से बिलो रहा है। जैसे आप देख सकते हो कि टोटल 12 इंडिकेटर्स हैं, इनमें ये 4 हैं
इनमें तो इंडिया की हालत ठीक है कि भाई एवरेज होनी थी 61.4, इससे ऊपर ऊपर रही है, बट बाकी ओवरों में हालत डामाडोल है या काफी कम है आपको देखने को यहाँ पे मिल रही है। अब हमें देखते हैं कि इंडिया को कौन कौन सी साइड काम करने की जरूरत है, इंडिया के लिए कौन कौन से यहाँ पे कंसर्न्स हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं। देखो इंडिया के लिए सबसे बड़ी बात यह है, जो मेजर हम शॉर्ट कमिंग की बात करें, एक तो यह कि इंडिया को इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी एडॉप्शन पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया अभी भी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी से चीज़ों पर बहुत लिमिटेड फोकस है वो कर रहा है। इसी के साथ ही हम बात करें जो पुअर हेल्थ कंडीशन हमारे देश में, देखो माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम आप देख सकते हो, इसी के साथ और भी हेल्थ के काफ़ी सारे इश्यूज रहते हैं, तो इन सारे फैक्टर्स की वजह से भी काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इसी के साथ ही लोगों की लाइफ हेल्दी नहीं रहती है, जब लोगों की देखो लाइफ ही अच्छी हेल्दी नहीं रहेगी तो ऑब्वियसली वो काम नहीं कर पाएंगे पूरी एफिशिएंसी के साथ, तो वो हमारी इकोनॉमी के लिए आप बोल सकते हो कि ह्यूमन रिसोर्सेज के तौर पे एक डिसएडवांटेज या नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा। इसी के साथ ही जो हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है इसके मामले में भी देखो इंडिया की रैंकिंग वो 109वीं रही है 141 कंट्रियों में से, मतलब लोगों की इंडिया में अगर हम बात करें जो हेल्दी लाइफ है यहाँ पे वो ज़्यादा हनी है, तो ये भी इंडिया के लिए काफ़ी चिंताजनक बात है। अगर और हम बात करें तो देखो इंडिया में जो फीमेल वर्कर का रेशियो है वो काफ़ी कम है, मतलब कि जहाँ पे एक मेन काम कर रहा है ना वहाँ पे देखा जाए तो 0.26 महिलाएं काम कर रही हैं, यानी हम ये बोल सकते हैं जहाँ पे 4% काम कर रहे हैं मेल पर्सन वहाँ पे एक महिला हमारे देश में काम कर रही है, तो आप रेशियो देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, तो ये भी हमारे देश में एक मेजर प्रॉब्लम बन के उभर आ रही है, क्योंकि महिलाएं हैं वो अभी भी इकोनॉमी में ढंग से कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं कर पा रही हैं। इसके पीछे काफ़ी सारे रीजन्स हैं, वैसे सोशल इश्यूज भी हो सकते हैं, महिलाएं घर के कामों में बिजी रहती हैं, उनके घर पे काफ़ी काम हो जाते हैं, लोगों की सोच का भी इश्यूज हैं, खैर वो एक अलग पॉइंट है, बट अभी जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं उनको हमने यहाँ पे कवर है वो किया है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है राफेल फाइटर जेट के बारे में। देखो कंटेक्स्ट आप सभी को पता है कि राफेल है वो अभी इंडिया को एक तरीके से डिलीवरी उसकी की जानी है, तो उसी को लेकर न्यूज़ है वो आई है, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी वो अभी फ्रांस गए थे, उन्होंने राफेल की डिलीवरी ले ली है, बट अभी भी राफेल इंडिया में 2020 में आएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो ये प्रावधान है कि इंडिया को राफेल मिल तो गया है बट अभी उसकी पहले फ्रांस खुद टेस्टिंग करेगा, लगभग 1500 घंटे के आसपास की समथिंग वो टेस्टिंग करेंगे अपने वहीं पे, इसके बाद उसको इंडिया है वो लाया जाएगा। तो इंडिया आपको पता है जो राफेल एयरक्राफ्ट है वो 36 राफेल एयरक्राफ्ट खरीद रहा है, कहाँ से? फ्रांस से। फ्रांस की एक कंपनी है जिसका नाम है, यहाँ पे आपको नाम बताना चाहिए, डसॉल्ट एविएशन। तो जो डसॉल्ट एविएशन है ये बेसिकली राफेल प्लेन को या राफेल जो फाइटर जेट है इसको बनाती है और वही इंडिया को अभी डिलीवर है वो करेगी। जो टोटल 36 फाइटर जेट है इनकी उम्मीद की जा रही है कि 2022 तक ये एट एनी कॉस्ट इंडिया को सारे 36 के 36 डिलीवर हैं वो हो जाएंगे। अब बात ऐसी है कि राफेल है वो एक मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसी के साथ ही राफेल का वैसे एक फ्रेंच वर्ड है ये, तो राफेल का मतलब होता है गस्ट ऑफ विंड, गस्ट का मतलब होता है आंधी, एक तरीके से आप बोल सकते हो कि तूफान टाइप का या एक बहुत तेज हवा का झोंका। इसी के साथ ये ध्यान रखना है कि राफेल की जो स्पीड है वो है 1.8 मैक, यानी कि हवा की स्पीड से इसकी जो साउंड की स्पीड है इससे राफेल की स्पीड है वो है 1.8 गुना ज़्यादा। और राफेल देखो वैसे फोर्थ जनरेशन का एयरक्राफ्ट है, ये ध्यान में रखना ना कि फिफ्थ जनरेशन का, तो इसमें आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, बट ये काफ़ी एडवांस है, मॉडिफिकेशन है, तो इसलिए आप इसको 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट भी आप जो फाइटर जेट है वो भी बोल सकते हो। तो ये इसके बारे में कुछ बेसिक फैक्ट है जो मैं भी यूपीएससी आपको पूछ सकती हूँ। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है सैटर्न के बारे में। देखो सैटर्न का मतलब है शनि ग्रह है क्या अभी वो हम देखते हैं। अभी तक देखो हमने ज्योग्राफी में बुक्स वगैरह में यही पढ़ा था कि सबसे ज़्यादा जो मून है चंद्रमा है वो बेसिकली जुपिटर के हैं, बट अब ऐसा नहीं है। अभी बेसिकली जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है उसके द्वारा स्टडी की गई और जो सैटर्न प्लेट यानी जो शनि ग्रह था ना इसके 20 नए मून और डिस्कवर किए गए, इसलिए जो सैटर्न के जो हम बात करें मून है इनकी संख्या हो गई टोटल 82, यानी कि सबसे ज़्यादा जो मून है चांद है वो बेसिकली सैटर्न के पास है, ये भी आपको ध्यान में रखना एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। इससे पहले से मैंने आपको बताया जुपिटर के थे 79 मून तक, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि भाई 79 थे जुपिटर के, अब बढ़िए हो गए हैं सैटर्न के, यानी सैटर्न के पास सबसे ज्यादा मून है। देखो इंडिया के मून का क्या नाम है, सॉरी इंडिया का मून क्या, अर्थ के मून को नाम बेसिकली हम बोलते हैं लूनर, इसीलिए आपने सुना होगा लूनर ऑर्बिट। मून तो बेसिकली चांद को कहते हैं, तो वो हर जो प्लेनेट होते हैं इनके अपने अपने मून वगैरह होते हैं, बट इन जो हमारी अर्थ का मून है यानी कि मार्स जो अर्थ है इसका जो चांद है इसका नाम बेसिकली लूनर है, इसलिए हम लूनर ऑर्बिट लूनर मास वगैरह वर्ड है वो यूज करते हैं। तो ये आपको बेसिक फैक्ट है वो ध्यान रखना।
अब हम छोटा सा अगर देख ही रहे तो ज्योग्राफी के कुछ पॉइंट देख लेते हैं। देखो एक तो आपको पता होना चाहिए एस्टेरॉयड बेल्ट का, एस्टेरॉयड बेल्ट है वो बेसिकली मार्स और जुपिटर के बीच में है। और आपको बता दूं कि जो ये चार प्लेनेट है ना स्टार्टिंग में सन के पास वाले, मरकरी हो गया, वेनस हो गया, अर्थ हो गया, मार्स, इनकी डेंसिटी ज्यादा है। ये आपको ध्यान रखना है कि इनकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है, इनमें मेटेलिक गुण ज्यादा है, ये आपको ध्यान में रखना है। और जबकि जो जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून है, इनकी बेसिकली डेंसिटी बहुत कम है, इसलिए इनको गैसीय प्लेनेट के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको पूछ ले कि गैसीय प्लेनेट कौन से हैं, तो ये चार हैं बाहर वाले जो एस्टेरॉयड बेल्ट के बाहर है ना, जुपिटर हो गया, सैटर्न हो गया, यूरेनस हो गया, नेपच्यून, इनको गैसीय प्लेनेट के नाम से भी जाना जाता है। प्लूटो आपको बताया एक जो आप उसको प्लेनेट है वो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि प्लूटो की देखो एक तो ना तो खुद ही इसकी प्रॉपर साइज है, और इसी के साथ ही इसकी जो ऑर्बिट है, देखो प्लेनेट होने के लिए एक इम्पोर्टेंट कंडीशन ये होती है कि उसकी एक कक्षा, एक ऑर्बिट होनी चाहिए, उसमें वो एक फिक्स चक्कर लगाए, जैसे अर्थ अपनी ऑर्बिट में चक्कर लगाती है सन के चारों ओर। बट है क्या, प्लूटो की खुद की ऑर्बिट नहीं है, जो प्लूटो जिस ऑर्बिट में चक्कर लगाता है ना वो ऑर्बिट बेसिकली कभी तो नेपच्यून के मार्ग में आ जाती है, कभी यूरेनस वगैरह के, इस तरीके से। तो यानी कि वो अपनी खुद की कक्षा में नहीं घूम पाता है, ना इसकी साइज है वो सही ढंग से, इसीलिए इसको अभी प्लूटो को ग्रह में काउंट है वो नहीं किया जाता है। वो एक आता है क्यूपलर बेल्ट, क्यूपलर बेल्ट है वो बेसिकली जो नेपच्यून प्लूटो के बाहर वाले जो बेल्ट है यहाँ पे, इसको हम क्यूपलर बेल्ट के नाम से जानते हैं। तो यह आपको ध्यान में रखना है, एस्टेरॉयड बेल्ट कहाँ पे है, क्यूपलर बेल्ट है वो कहाँ पे है। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है यहाँ पे वो आया है अनरिप्रेजेंटेड ट्राइब्स के बारे में। कंटेक्स्ट है, न्यूज ये आई है कि अभी मेघालय की गवर्नमेंट है उसने ये डिसाइड किया है कि भाई जो अनरिप्रेजेंटेड जो ट्राइब्स है ना, इनको बेसिकली जो संविधान का 6th शेड्यूल है ना कॉन्स्टिट्यूशन का, इसके जो प्रोविजंस हैं उनसे इसको हटाया जाएगा। अब देखते हैं कि पहली बात तो है कि अनरिप्रेजेंटेड ट्राइब्स कौन सी हैं। देखो अनरिप्रेजेंटेड ट्राइब्स बेसिकली 5 ट्राइब्स हैं मेघालय में, जिनका नाम है, एक तो है बोरो कचहरी, एक है होजांग, एक है कोच, एक मान और एक है राबा। तो ये बेसिकली 5 ट्राइब्स हैं, इनको अनरिप्रेजेंटेड ट्राइब्स के नाम से जाना जा रहा है। अब बात ऐसी है कि ये जो ट्राइब्स है ना, ध्यान से सुनना, ये जो ट्राइब्स हैं ये मेघालय की इंडिजिनस ट्राइब्स हैं, यानी कि मेघालय की स्वदेशी ट्राइब्स हैं, वहाँ की नेचुरल ट्राइब्स हैं जो कि वहाँ पहले से रह रही हैं। आप ये बोल सकते हो कि इंडिजिनस का मतलब क्या होगा, स्वदेशी नहीं, वहाँ की लोकल ट्राइब्स हैं, इसलिए इनको अनरिप्रेजेंटेड ट्राइब्स के जो लिस्ट है इससे हटाया जा रहा है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे आई कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन का जो 6th शेड्यूल है वो कहता क्या है। देखो कॉन्स्टिट्यूशन का जो 6th शेड्यूल है ना वो ये कहता है, जो आर्टिकल भी आपको पता होना चाहिए, आर्टिकल है 2442 और इसके बाद 275(1), इसमें ये प्रोविजन किया गया है कि आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये बेसिकली चार स्टेट है ना, इनमें जो भी ट्राइबल एरिया है ना, इनके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अलग से बॉडी है वो बनाई जा सकती है, ऑटोनोमस बॉडी, यानी कि ऑटोनोमस ट्राइबल काउंसिल है, इसका निर्माण किया जा सकता है। इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखनी है, केवल आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जो ट्राइबल एरिया है ना, इनके लिए ऑटोनोमस ट्राइबल काउंसिल का निर्माण किया जा सकता है। वहाँ के जो राष्ट्र सॉरी वहाँ जो गवर्नर होंगे वो राष्ट्रपति की एड और एडवाइस के बेसिस पे काम है वो किया जाता है। तो यही बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि कौन सी ट्राइब कहाँ से है, ये यूपीएससी पूछ सकती है। अब देखो जैसे कि बताऊँ, मेघालय में 3 एरिया बनाए गए हैं यानी ऑटोनोमस काउंसिल के तौर पर, जैसे एक तो है खासी हिल वाले एरिया में, एक है जयंतिया हिल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, और एक बनाया गया गारो हिल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। तो ये जो 3 एरिया या 3 जो हिली ऑटोनोमस एरिया है, यहाँ पे इनके खुद के रेगुलेशन रूल्स वगैरह होते हैं, अगर कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट रूल वगैरह बनाती है तो उन पर डायरेक्टली एप्लीकेबल नहीं होता है, उसमें कुछ चेंजेस वगैरह होते हैं, उसके बाद वो एप्लीकेबल किया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वह है C40। देखो C40 है ना वो बेसिकली एक सिटीज क्लाइमेट लीडरशिप ग्रुप है, इसलिए इसका नाम C40 है, आपको ध्यान में रखना है। C40 क्या है? सिटीज क्लाइमेट लीडरशिप ग्रुप। इसमें बेसिकली 94 सिटीज हैं वर्ल्ड की, उनको इंक्लूड किया गया है। अब देखो बात ऐसी है, यह एक नेटवर्क जैसा मैंने आपको बताया ग्रुप है, और इसका काम ये है क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने के लिए, इसने अपने वादे किए हैं उनके ऊपर बेसिकली काम करता है। यानी कि वर्ल्ड की जो मोस्ट बड़ी बिग मेगा सिटीज आ गई हैं, लगभग 94 सिटीज उसमें काउंट किया गया है, वो सिटी क्लाइमेट चेंज के जो इश्यूज हैं उनको एड्रेस करने के लिए कमिटी उन्होंने वादा किया है, और उसका ग्रुप है, इसका नाम है C40। अब वो अपने एरिया के आधार पे क्लाइमेट चेंज से निपटेंगी, यानी उनकी जो जो कैपेसिटी है, जो जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी लोकल प्रॉब्लम्स उनके आधार पे। फिर देखो जो सिटीज है ना मेगा सिटीज, इनको 3 भागों में डिवाइड किया गया है, 3 लिस्टों में, जैसे एक तो मेगा सिटीज, एक हो गया इनोवेटर सिटीज और एक हो गया ऑब्जर्वर सिटीज।
तो इस तरीके से 3 भागों में इनको डिवाइड कर दिया गया है और उस आधार पे फिर इनको अलग अलग काम है वो दे दिए जाएंगे। अपने खुद के कामों के आधार पे क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए डील है वो करने वाले हैं। कंटेक्स्ट ये आता अभी कि जो C40 जो ग्रुप है ना, इसकी अभी कोपेनहेगन में मीटिंग है वो हुई है, तो उसी को लेकर न्यूज है वो आई है। इसमें देखो हमारे दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर हैं केजरीवाल जी, वो भी जाने वाले थे बट उनको सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से परमिशन नहीं दी गई तो वो यहाँ पे नहीं गए थे। अब एक बात ये ध्यान रखनी है कि C40 पे कौन कौन से क्राइटेरिया के आधार पे जो सिटीज हैं वो जाती हैं, मतलब सिलेक्ट हैं वो की जाती हैं। बेसिकली देखो सिटी की पॉपुलेशन कैसी है, इकोनॉमिक आउटसोर्सेज कैसे हैं वहाँ पे, इन्वायरमेंटल लीडरशिप के बारे में कैसा काम किया जा रहा है, और सिटी की मेंबरशिप लेंथ, काफ़ी सारे पैरामीटर्स के आधार पे उस सिटी को इस लिस्ट में या आप बोल सकते हो इस ग्रुप में शामिल है वो किया जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में। अभी हमने आर्टिकल डिस्कस किया था तो ये थोड़ा लेट स्लाइड वो ऐड की गई है। देखो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है ना, वो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पब्लिक प्राइवेट कोलाब्रेशन है, यानी इसमें पब्लिक और प्राइवेट जो बॉडीज हैं कोलाब्रेशन है वो यहाँ पे करती हैं। क्या काम है इसका? इसका देखो काम सीधा सीधा यही है कि वर्ल्ड की जो इकोनॉमी की और उसके सामने जो बड़े बड़े इश्यूज है ना, उनके ऊपर बेसिकली बातचीत की जाती है और कैसे उनके सॉल्यूशंस निकालने, इस पे फोकस किया जाता है। यानी एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जिनेवा सिटी में है और ये बेसिकली वर्ल्ड की जो इकोनॉमिक और सोशल इश्यूज है काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं उनके ऊपर डिस्कशन है, उनके ऊपर आपस में विचार विमर्श किया जाता है और उचित सॉल्यूशंस निकाले जाते हैं। अब देखो बात ऐसी है कि इसके अंदर जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है वो भी शामिल होती है, एकेडमिक्स भी शामिल होते हैं, इसी के साथ ही हम और बात करें तो और भी जो डिफरेंट लीडर्स वगैरह हैं ऑर्गेनाइजेशन है वो इसमें शामिल होती हैं, कोलाब्रेशन करती हैं, तो यानी कि वर्ल्ड की इकोनॉमी को लेकर ये डिस्कशन की जाती है। इसके बारे में आपको एक चीज ध्यान ये रखनी है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की हर साल जनवरी में दाओस एक जगह है, दाओस में मीटिंग होती है और उस पर काफी सारे जो इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक इश्यूज होते हैं उन पर डिस्कशन की जाती है और वो मीटिंग काफी इंपॉर्टेंट होती है, उसके आउटकम भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसीलिए न्यूज में ऑलमोस्ट छाया हुआ रहते हैं। इसी के साथ ही वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है वो 3 इंडेक्स 3 रिपोर्ट है वो जारी करती है। एक तो जारी की जाती है ग्लोबल कंपटीटिवनेस रिपोर्ट और इसके आधार पर ग्लोबल कंपटीटिवनेस इंडेक्स जारी किया जाता है। इसी के साथ ही ट्रेवल एंड टूरिज्म कंपटीटिवनेस रिपोर्ट जारी की जाती है। इसी के साथ ही ग्लोबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिपोर्ट है वो जारी की जाती है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है यहाँ पे वो है एक मालवेयर के बारे में जिसका नाम है यहाँ पे सिमोनेरो। अब है क्या ये एक बार देख लेते हैं। देखो पहली बात तो यही कि मालवेयर होता क्या है। मालवेयर बेसिकली एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि एक वायरस की फॉर्म में आपने या किसी भी कंप्यूटर में डाल दिया जाता है और इसके बाद ये सिस्टम होता है, इसको एक तरीके से आप बोल सकते हो कि उसके अंदर अवैध कब्जा कर लेता है, यानी सिस्टम को एक तरीके से जाम कर देता है। आपसे फिरौती वगैरह कुछ भी ऐसे फॉर्म में मांगे जाते हैं कि आप भाई इतने पैसे दीजिए तब भी आप सिस्टम अपना यूज कर सकते हो, अदरवाइज आपका डाटा वगैरह डिलीट कर दिया जाएगा। तो एक तरीके का ये सॉफ्टवेयर टाइप है जो कि आपके सिस्टम के लिए डिजाइन किया जाता है और फिर एक कंप्यूटर सर्वर जो भी है इसको हैंग आप बोल सकते हो कि इसके ऊपर अटैक कर लेता है, आप कोई भी फाइल वगैरह को एक्सेस नहीं कर पाते हो, ये होता है मालवेयर। अब ये जो यहाँ पे हम बात करें जो स्मोरिनो मालवेयर है ये कैसे काम करता है, ये देखो जो मालवेयर है वो आपके कंप्यूटर में अगर इंटर कर जाता है, देखो इंटरनेट के थ्रू काफ़ी सारे मीडियम्स होते हैं जहाँ से इंटर कर जाता है, क्योंकि इसको जिसने डिजाइन किया होता है उसने काफ़ी समझदारी से इसको डिजाइन करते हैं वो, और अगर ये कंप्यूटर में इंटर कर जाता है तो ये क्या करेगा, आपको पता है कि जब भी कंप्यूटर और डेस्कटॉप लैपटॉप हम यूज़ करते हैं तो उसमें एडमिन होता है स्टार्टिंग में, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन या फिर होम ऐसे अपन जो बनाते हैं ना एडमिन, उस तरीके से क्या करेगा एक डिफॉल्ट एडमिन क्रिएट करेगा जिसका नाम होगा डिफॉल्ट एडमिन डॉलर। अब ये जो एडमिन डॉलर है ना ये बेसिकली क्या काम करता है, जो बिटकॉइन होती है ना इसकी माइनिंग करने के काम आता है। देखो आपको पता होगा कि बिटकॉइन कमाने के कई मेथड्स होते हैं, मतलब बिटकॉइन अर्न करने के, एक तो जैसे कि खरीद के एक से खरीदा दूसरे को बेचा ये हो गया। एक मेथड ये होता है कि कंप्यूटर में एल्गोरिदम होती है, उस एल्गोरिदम की हेल्प से भी हम बिटकॉइन है वो जनरेट कर सकते हैं, बट वो क्या होती है कॉस्ट बेनिफिट वाली बात नहीं होती, मतलब बहुत खर्चा हो जाता है और उसके बाद बहुत कम बिटकॉइन जनरेट होते हैं। इसीलिए जो काफ़ी बड़े हैकर होते हैं वो क्या करते हैं बहुत सारे कंप्यूटर्स में ये वायरस डाल देते हैं और उसकी फॉर्म में क्या करेंगे फिर आपके कंप्यूटर से या बोल सकते डेस्कटॉप वगैरह से एल्गोरिदम सोल्व करवा के और बिटकॉइन जनरेट करेंगे बल्क में, ये बेसिकली तरह का मालवेयर है। तो ये मैंने आपको बता दिया किस तरीके से काम है वो करता है और इसी के साथ ही डाटा वगैरह भी चोरी कर लेते हैं। तो ये थी आज की हमारी डिस्कशन, इसी के साथ आज हमारा एक क्वेश्चन रह गया पहले वो हम देख लेते हैं। क्वेश्चन देखो 2019 प्रीलिम्स में आया हुआ है, क्वेश्चन ये है
कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द एसेट्स ऑफ द कॉमर्शियल बैंक इन इंडिया, यानी कि कॉमर्शियल बैंक है इंडिया में उनकी एसेट्स में से इनमें चारों में से कौन सा ऑप्शन नहीं है। पहला ऑप्शन आपके सामने दिया गया है यहाँ पे एडवांसेस, दूसरा दिया गया है डिपॉजिट, तीसरा दिया गया है इन्वेस्टमेंट, चौथा दिया गया है मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस। अब आपको देखो, अगर आपने थोड़ी बहुत भी बेसिक इकोनॉमिक्स पढ़ी है तो आपको पता है कि बैंक के अंदर जो भी डिपॉजिट होती है ना, वो बैंक की एसेट्स नहीं होती, वो बैंक की लायबिलिटी होती है। इसका मतलब बी ऑप्शन इसका साफ साफ यहाँ पे सही आंसर है, वो हो जाएगा कि भाई जो बैंक में डिपॉजिट करवाती है वो बैंक के लिए एक लायबिलिटी है, बैंक की जिम्मेदारी है कि भाई वो लोगों को पैसा वापस देगा, बैंक को वो पैसा चुकाना है। तो इसलिए डिपॉजिट जिस भी बैंक में होती है जितनी, वो बैंक के लिए एक लायबिलिटी होती है, जिम्मेदारी है बैंक के लिए वो कि भाई वो वापस करनी है बैंक को विद इंटरेस्ट। अब कल का क्वेश्चन क्या था, देखो कल का एक क्वेश्चन ये था हमारा कि जो गवर्नमेंट है ना वो सबसे ज्यादा उधार लेती है बाहरी मार्केट से, आप बोल सकते हो इंडिया के बाहर से। देखो वो स्टेटमेंट गलत था, ऐसा नहीं है कि केवल इंडियन गवर्नमेंट ही है वो ही बाहर से सबसे ज्यादा उधार लेती है, इंडिया के जो बिजनेस ग्रुप्स है ना वो ज्यादा उधार लेते हैं, ना कि अकेली इंडिया गवर्नमेंट, तो इसलिए वो एक स्टेटमेंट भी गलत हो गया था। दूसरा स्टेटमेंट ये था उसमें कि भाई जो भी इंडिया उधारी या बाहर से कर्ज वगैरह लेता है वो केवल और केवल यूएस डॉलर की फॉर्म में लेता है, ऐसा भी नहीं है, काफी सारी करेंसी जैसे कि इंडिया है वो ऐसी बात नहीं कि केवल यूएस डॉलर में कर्ज लेता है, बाकी और भी करेंसी होगी, चाइना की होगी, यूएस के अलावा बात करें जैसे लोकल करेंसी हो जाती है, यूके की करेंसी यूरो होगी, पौंड होगी, इनके आधार पर भी की जाती है, तो इसीलिए वो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो गए थे। तो ये थी आज की हमारी डिस्कशन, तो फिलहाल इतना ही है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।